तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रोहित प्रिया ब्लॉग्स। सो अभी मॉर्निंग टाइम हो रहा है 6 बजे। मॉर्निंग टाइम बहुत पहले आज सुबह उठे थे गाइस हम। सो अभी के टाइम में आप लोग जो है कहीं मनाली ना शिमला कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाँव में आप लोगों को देखने मिलेगा गामरोज वाटरफॉल, जो कि अभी हम जा रहे हैं गाइस। सो पहली बार हमारा जा रहे हैं गामरोज वाटरफॉल, जो आप लोगों को दिखाएंगे वीडियो में। अभी ना कहीं आपको जाना है मनाली ना शिमला। सो इस वीडियो में आप बने रहे गाइस, हम आपको दिखाएंगे गामरोज वाटरफॉल गुड़गांव में, जो नियर बाय लोकेशन है 10 to 15 किलोमीटर। सो निकलते हैं अभी मॉर्निंग टाइम में। सो लेट्स टू बी कंटिन्यू। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रोहित प्रिया ब्लॉग्स। होप आशा करते हो सारे लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्यूल टैंक फुल करने का गाइस। सो अभी निकलते हैं हम फ्यूल टैंक के पास, जो कि बहुत दिन हो गया था हमने फ्यूल वगैरह भी डाला नहीं था। सो आज हम करते हैं फ्यूल पिकअप, जो कि आज हम जाने वाले गामरोज वाटरफॉल। आपने इंट्रो वगैरह देखा होगा कि हम जा रहे हैं गुड़गांव में ही। आप लोग को आज एक वाटरफॉल हम दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पर लोकेशन जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं गाइस। इस वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा, ताकि जो भी वाटरफॉल है, जो भी लोकेशन है, उस लोकेशन को हम इसमें रिवील करने जा रहे हैं गाइस। सो हम भर रहे हैं फ्यूल वगैरह डाल के हम निकलते हैं रास्ते की ओर। रास्ते जो हमारा पड़ेगा, सामने जो रोड है हमारा सोना रोड, आपको पता ही होगा वो सोना रोड से हम जाने वाले हैं। उस रोड से हमारा डायरेक्ट सीधा, जब आप जाओगे उस रास्ते से आपको सीधा डायरेक्ट कहीं मुड़ना नहीं है, बस एक ही कट लेना है, जहाँ पर राइट कट लेके जाके आपको पहुँचना है गाइस। सो स्टे ट्यून बनी रहेगा, एंड चैनल में नहीं है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को स्किप ना कीजिए, फुल वीडियो देखिएगा, ताकि इस वीडियो में जो भी वाटरफॉल है उसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे गाइस। सो ये है हमारा गुड़गांव का नज़ारा, बहुत ही शानदार है। हम सुबह सुबह निकले थे 5:30 को, जो कि मॉर्निंग टाइम हमारा उतना टाइम होता नहीं है। सो इसलिए मैंने सोचा चलो सुबह ही चल लेते हैं, और सुबह सुबह बहुत गर्मी भी नहीं होता है, इसी चक्कर में मैंने जो है सुबह सुबह हम निकल गए थे गामरोज वाटरफॉल की ओर। सो ये हमारा गुड़गांव का नज़ारा, सोना रोड। ये राइट रोड जो है हाईवे, नेशनल हाईवे है। इस रोड से आप सीधा मुंबई वगैरह भी जा सकते हैं। सो इस रास्ते से हम निकल रहे हैं। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपना डेस्टिनेशन में गाइस, जो कि बहुत लोग आए हुए हैं, देख सकते हो बहुत बाइक वगैरह है, स्कूटी वगैरह, सारे लोग आए हुए हैं एंजॉय करने के लिए गामरोज वाटरफॉल, जो कि गुड़गांव में है, इसलिए सारे लोग यहाँ पर इकट्ठित हुए गाइस। सो अभी हम भी चलते हैं आगे की ओर, और हम आपको दिखाते हैं। सो प्लीज़ बनी रही वीडियो में। सो हम पहुँच चुके थे गामरोज वाटरफॉल, जो कि देख सकते हो वो नीचे से हम आए हमारा बाइक गाइस, वहाँ पर आप देख सकते हो, जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ पर हमारे बाइक रखा हुआ है गाइस। सो अभी हम आए थे ऊपर, बट आप वीडियो में देख सकते हो कहीं पे कुछ आपको पानी वगैरह नहीं दिख रहा होगा गाइस, बट इसका रीज़न ये है कि कभी भी आप गामरोज वाटरफॉल विजिट करते हो तो प्लीज़ आप लोग से एक ये आप जान लीजिएगी, यहाँ पे जब आप आओगे उससे एक दिन पहले जो बारिश होती है तभी आप यहाँ पे आने से आपको वाटरफॉल मिलेगा, बिकॉज ये नेचुरली वाटरफॉल नहीं है, बिकॉज ये बारिश के पानी से जो पानी होते हैं वो वापस यहाँ पर आते हैं गाइस। सो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से है नज़ारा, बहुत ही शानदार है, बट ये है कि बिना बारिश का यहाँ पर कुछ मज़ा होने वाला है नहीं, गजब बेइज्जती है। इस वाटरफॉल तो हम आए थे गाइस, चढ़ चढ़ के थके हैं, बट कहीं ना कहीं पानी वगैरह तो मिल नहीं रहा है। सो तब भी हम आगे देखते हैं, आगे कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे गाइस। सो एक तो यही है कि जब भी आप आओगे प्लीज़ रेनी सीजन में आइएगा, बिकॉज ये वाटरफॉल जो है वो ड्राई, मतलब बिना पानी का होता नहीं है। सो देख सकते हो नज़ारा इस प्रकार है। सो ऊपर तो आई थिंक ऊपर तक पानी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। सो हम बहुत ही गलत दिन में आ गए थे गाइस, जो कि यहाँ पे बारिश वगैरह हो नहीं रहा है, सो उस रीज़न से हमारे यहाँ पे वाटरफॉल भी नहीं है। सो कभी भी आप आओगे सो प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ बारिश पहले, एक दिन पहले बारिश हो रहा है तो उसके बाद ही आप यहाँ पर आइएगा, ताकि वो आपके लिए बेनिफिट रहो। सो फोटो वगैरह हमने क्लिक कर रखा है। सो अब देखते हैं, थोड़ी देर हम बैठते हैं यहाँ पर, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं, शायद गाइस निकलते हैं हम। सो देख सकते हैं नज़ारा, बहुत ही शानदार नज़ारा है। जो वाटरफॉल गाइस, जो कि रेनी सीजन में सिर्फ होता है, सो आप जब भी यहाँ पर आएंगे गाइस, जब भी आप आओगे तो बेसिकली यही सोच के आना कि उससे एक दिन पहले जो बारिश होगी तो ही आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये हर समय ड्राई रहता है। रिलैक्स वगैरह करने का बहुत ही शानदार जगह है, यहाँ पे आके आप अपना रिलैक्स वगैरह कर सकते हो, फ्रेश माइंड हो सकते हो, थोड़ा पहाड़ों का नज़ारा, मनाली शिमला जाने की नहीं पड़ेगी, 1 घंटे के रास्ते गुड़गांव से। सो यहाँ पे आके आप इन्जॉय कर सकते हो गाइस, तो देख सकते हो नज़ारा बहुत ही शानदार है। देखते हो यहाँ से अभी हम जाना है नीचे, बहुत ही दर्दनाक भयानक है। सो यहाँ पे हमारा ज्वेल जाते हुए गाइस, सो देख सकते हैं फाइनली नीचे पहुँच गए हैं, देख सकते हैं सारे लोग वहाँ पे आते हुए, बट पानी तो है नहीं, यहाँ पे जल्द पहुँच गया नीचे। इधर तो यहाँ पे बारिश नहीं है, सो देख सकते हो सारे लोग यहाँ पर गाइस आते हुए, यहाँ पे दोस्त लोग सारे लोग आ चुके हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो वहाँ पे थोड़ी मोड़ी वाटरफॉल, तो देख सकते हो थोड़ा बहुत बारिश हो रही है, ऊपर बारिश तो नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत वाटरफॉल हो रहा है, जो कि हम उसको भी आपको दिखाएंगे। सो कि थोड़ा साइड में यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा बहुत बारिश हो रही है ऊपर, बट बारिश नहीं है इसीलिए बहुत ही स्लो पानी चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बारिश हो रही है। सो ये
जब भी आप आएंगे सो जब बारिश होगी उससे एक दिन पहले आप आओगे तो आपके लिए फ़ायदा है। यहाँ पे हमारे भाई लोग सारे लोग आए, बस कुछ है नहीं, हम चलते हैं घर के और भाई बना रहे रील्स। सो निकलते हैं हम इसी तरीके से वाटरफॉल। तो जब भी आप आओगे सो प्लीज़ एक दिन बारिश से पहले आएंगे। आए देख सकते हो बहुत सारे लोग आए थे गाइस, बट ऐसे ही जा रहे हैं। तो बुलेट कोई तो यहाँ पर है वाटरफॉल, बट कुछ है नहीं गाइस, हमारा आया हुआ सारा वेस्ट हो गया। तो बट सुकून सा माहौल है, जगह है, सुकून सा जगह है, रिलैक्स वगैरह आप आराम से आप यहाँ पर आके कर सकते हो। यहाँ पर हमारा भाई लोग देख सकते हैं।